अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ सूजी का हलवा बनाने। झटपट सूजी का हलवा ये बनता है, बहुत जल्दी बन के रेडी होता है। आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन कहे, ये झटपट हलवा आप बना सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए आधा कटोरी सूजी ली हूँ मैं, मोटे दाने वाला, दानेदार है ये। आधा कटोरी शक्कर ली हूँ, एक कटोरी दूध ली हूँ, चार चम्मच घी ली हूँ, दानेदार घी है ये। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है। अभी चलो आगे बनाते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका, अभी मैं इसमें घी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अभी इसमें रवा डालूंगी, सूजी। इसको अच्छे से भूनना है कलर चेंज होने तक। इसको जितना अच्छे से भूनोगे उतना दानेदार हलवा बनेगा। चलाते हुए भूनना है, चलाते हुए। अगर हाथ रुक जाएगा तो जल जाएगा सूजी। अच्छे से इसको भूनना है। देखो कितना मोटा मोटा इसका दाना है, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। इसको एकदम बिना रुके हुए चलाते रहने का है। अभी इसको मैं एक दो मिनट और भूनूंगी। अभी तो चेंज हो चुका है कलर, लेकिन अभी इसको मैं एक दो मिनट और भूनूंगी। सूजी का कलर चेंज हो चुका है, देखो कितना बदल गया इसका कलर, भुना गया है। अभी हम इसमें दूध डालूंगी। तुरंत चलाते रहने का इसको। दूध डालने के बाद अभी जिस कटोरी से दूध डाली थी उसी से एक कटोरी पानी भी ऐड करूंगी। ये हलवा है, बर्फी नहीं है, ये नरम रहेगा, तभी इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं। ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है, ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी मैं इसको दो मिनट के लिए पका लूंगी, ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको बनाते बिल्कुल 5 मिनट ही लगता है। आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा ये बन के तैयार होता है, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। बच्चों को बहुत पसंद आता है, आपके बुजुर्ग जो घर में हैं उनको खिलाओगे तो उनका दिल जीत लोगे। बस इसको चलाते रहने का, हाथ नहीं रोकने का। बस 2-3 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ, चीनी घुलने तक इसको पका लेंगे। मेरा हो गया, 2 मिनट हो गया। अभी देख सकते हैं आप कितना मुलायम, कितना नरम हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम अच्छा। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, बस 2 मिनट में बनने वाला, अरे 5 मिनट में सॉरी, बनने वाला हलवा तैयार हो गया। अभी इसको हम गर्मा गर्म परोसेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे नई नई अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसे अगले नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।